अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वीदुर, वेलकम टू रेंसम मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होता है, इसकी उर्दू में शनाख्त कैसे की जाती है और अंग्रेज़ी में तर्जमा कैसे किया जाता है, कुछ रूल्स हैं वो रूल्स को कैसे तैयार करना है और कौन कौन से वो रूल्स हैं, उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बताया चलें कि वी आर एन एस ए मेंटोर। इस चैनल पर हम आपको 9th, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इवन के कंपटेटिव एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और 9th, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे, और जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने अरेंज किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन पेपर आता है पहला क्वेश्चन MCQs का होता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे अरेंज करेंगे और हर तरह की फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे। लाइक टेंसेज का कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश लेके आएंगे, ग्रामर लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखेंगे कि इनकी उर्दू में शनाख्त किस तरह से होती है। देखिए, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह के अल्फाज आते हैं। फिर से सुन लो, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ताहूँ और ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। जब भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ये अल्फाज मिले तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर वो ख़त लिखता है, बारिश मूसलाधार होती है, वो स्कूल जाता है, हम किताब पढ़ते हैं, तो इन सारे सेंटेंसेस में ता है, ती है, ताहूँ वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अच्छा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं, इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इसके एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी किसी भी तरह का हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ये बात याद रखने वाली थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी, ये आप नोट्स में अपने उतारते आएँ। इसी तरीके से अब इसका अंग्रेज़ी बनाने का तरीका कौन सा भी, अंग्रेज़ी में इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखें। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा होगा, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। फिर से सुन लो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और जमा हो तो सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस और ई एस का इजाफा नहीं करना। और आखिर में क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर देना है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम पढ़ के आए हैं पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों का आपको पता होगा, आखिर में हमने ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर देना है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है? इसके लिए भी हम आपके लिए छोटी सी एक टिक लेके आए हैं, ट्रिक लेके आए हैं। अगर हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, वाहिद हो, ही, शी, इट या वाहिद हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस, डबल एस, इनमें से कुछ हो तो आपने ई एस लगाना है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है। फिर से सुन लो, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, वाहिद या वाहिद हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में इन छह अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ हो तो आपने क्या करना है, ई एस लगाना है, अदरवाइज आपने एस लगा देना है। ये होगा उस वक्त जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट या वाहिद होगा। आई, वी, दे, यू और जमा के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस ओ एस का इजाफा नहीं होगा। अब हम इनकी एफर्मेटिव सेंटेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वैसे प्रैक्टिस की अलग वीडियो आएगी लेकिन हम थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ मूव करेंगे। देखिए, वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे एस लगा। एस क्यों लगा? क्योंकि ये वर्ब की फॉर्म है, अगर यहाँ पे इन छः में से कोई एक वर्ड होता तो एस लगता, वैसे ये लग तो रहा ही है ई एस, ये ई जो है राइट के साथ वाला है। उसके बाद बारिश मूसलाधार हो रही है, इट रेन्स हैविली, वो स्कूल जाता है। अब ये देखो, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ओ था तो यहाँ पे भी ओ है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ई एस हमने लगा दिया। इस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना सिखा दी, उसकी अंग्रेजी बनाना सिखा दी, उसमें हेल्पिंग वर्ब का बता दिया और उनके थोड़े बहुत एफर्मेटिव सेंटेंस के भी बता दिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जी, तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एस और ई एस का इजाफा भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ये कि इफ़, अगर
अगर आई वी दे यू जमा हो उसके साथ हमने लगाना है डू नॉट। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी दे यू जमा हो तो हमने क्या लगाना है डू नॉट, और ही शीट और वाहिद होंगे तो उसके साथ हमने डज नॉट लगाना है। दोबारा सुन ले, डज नॉट और डू नॉट कहाँ लगेगा? डज नॉट लगेगा ही शीट और वाहिद के साथ, और आई वी दे यू जमा के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। ये बातें हैं कुछ, उसी को लेते हुए हमने ये फार्मूला बनाया। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे वो घंटी नहीं बजाता है, वो घंटी नहीं बजाता है, तो ही डज नॉट, देखें ही है, उसके फौरन बाद क्या आ गया? डज नॉट। उसके बाद रिंग द बेल, अब यहाँ पे रिंग्स नहीं आएगा, एस यू एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद मैं उसका नाम नहीं जानता, आई डू नॉट, देखें आई मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था, आई वुड दे यू के साथ क्या आएगा? डू नॉट। आई डू नॉट नो हिज नेम। इस तरीके से ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सवालिया फिक्र इसके कैसे बनते हैं। सवालिया फिक्र बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डू या डज आपने लेके आ जाना है, सब्जेक्ट से पहले आपने डू या डज को शुरू में लेके आ जाना है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, एस या एस इसमें भी हम नहीं करेंगे। और इसका फॉर्मूला देख लें, पहले क्या आएगा? डू डज नॉट, दो जो इन दोनों में से जो भी आए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। मिसाल देख लेते हैं, क्या तुम शोर करते हो? क्या तुम शोर करते हो? अब देखो तुम आया तो उसका डू यू मेक नॉइस, डू यू मेक नॉइस, डू को हम कहाँ ले आए? सब्जेक्ट से पहले, ये हमारा सब्जेक्ट से पहले आ गया। और आखिर में हमने क्या लगा दिया? सवाल निशान। क्या अली पतंग उड़ाता है? क्या अली पतंग उड़ाता है? डज अली फ्लाई अ काइट। तो डज जुमले के शुरू में आ गया। इस तरह से हमने आपको प्रेजेंट डेफिनेशन की कंप्लीट वीडियो दे दी है, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को भी कवर किया, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जो है उनको भी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को भी हमने कवर किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।